Hi guys, my name is Gautam Singh Vig and you're watching me on Tele Masala. Actually, मैं पिछले एक दो टाइम से मुझे कॉल आया था बट ड्यू टू अदर वर्क कमिटमेंट्स बिकॉज आई वॉज डूइंग प्रोजेक्ट्स तो उस वजह से डेट्स का इशू था और मुझे बिग बॉस एक्चुअली करना था फ्रॉम आफ्टर वॉचिंग सीजन 13. मैंने कभी देखा नहीं इतना बट सीजन 13 मैंने थोड़ा सा देखा था. सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम माला वो जो था तो मैंने कहा अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आई विल डू इट. और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ने थोड़ा प्रिपेयर कर दिया है बिग बॉस करने के लिए. और इस बार लकीली मेरा शो अगस्त में ऑफ एयर हुआ साथिया तो इस बार डेट्स भी थी और मेरा कोई फर्दर कमिटमेंट्स भी नहीं थी. एक मेरी और है वो फेब्रवरी से स्टार्ट है तो ये टाइम था मेरे पास तो आई वॉज लाइक लेट्स डू इट. कुछ ज़िंदगी में अलग करते हैं. मैं एक्चुअली नया नया बॉम्बे आया था ऑनेस्टली और मुझे कुछ नहीं पता था और मुझे एंडमॉल की टीम से कॉल आया था कि बिग बॉस का प्रोमो करना है और वी वांट यू टू डू इट. और मैंने कहा ठीक है कर लेंगे क्योंकि आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एड्स उस टाइम पे और मुझे रोमियो बनाया था उसके अंदर और जूलियट को मुझे ऐसा फ्लावर देना था और ये कॉन्सेप्ट था उनका और सलमान से मेरे हाथ से फ्लावर लेके जूलियट को देते हैं और उनका डायलॉग था कि जब रोमियो को जूलियट से करना हो इजहार कुछ तो ऐसा उनका डायलॉग था और वो मैंने किया था. और मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं शायद बिग बॉस का कंटेस्टेंट भी बनूंगा ऑनेस्टली. आई थिंक ये वक्त है और तो इट्स अ जर्नी. आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क तो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो आई थिंक ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. और हाँ मैं उनको बताऊँगा. आई थिंक अगर कोई ऐसा टॉपिक निकला तो मैं ज़रूर बताऊँगा क्योंकि मेरे उनके साथ पिक्चर भी है उस लुक का. और हम रिलायंस स्टूडियो में शूट कर रहे थे मुझे याद है फिल्म सिटी में और मुझे ये नहीं पता था कि कुछ सालों बाद मैं इसी जगह पे फिल्म सिटी में आके और मैं कंटेस्टेंट बनूंगा बिग बॉस का. और मैं उनको बताऊंगा बिकॉज उनके लिए बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे अंदर बिकॉज ही वाज द फर्स्ट सेलिब्रिटी जिनके साथ मैंने शूट किया था एंड ही वाज द सलमान खान. सो या तो मैंने वो ऑरा वो सब एक्सपीरियंस किया एंड आई वाज लाइक तब उनकी वो मूवी भी आ रही थी जिसमें उन्होंने गाना गाया था मैं हूँ हीरो तेरा. और जब वो गाना बजा था लास्ट में और यू नो इट वाज ऑल सन्नाटा एंड सलमान सर वाज वॉकिंग एंड इट वाज लाइक ड्रीम लाइक यू नो यू जस्ट वॉचिंग. सो या ऑलवेज यार द पर्सनालिटी द ऑरा यू हैव एवरीवन इज़ वेरी नर्वस. मैं तो हूँ बट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड क्योंकि वो बोलते ना कि आप इतने साल पहले आपने अगर किसी के साथ काम किया और उसके बाद आप उनके साथ मिल रहे हो एज अ कंटेस्टेंट लाइक अ लेवल अप हो के आप मिल रहे हो तो आई थिंक ही मस्ट बी गोना बी प्राउड ऑन मी कि वहाँ से मैंने यहाँ तक जर्नी की है. तो उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ. यस बेसिकली मेरे एक्चुअली एक दो फ्रेंड्स को कॉल आया था मेरा जब शो ऑफ एयर हुआ तो मेरे एक दो फ्रेंड्स को मैं ऐसी बात कर रहे थे इंडस्ट्री से थे तो ऐसी बात कर रहे थे तो बोले बिग बॉस के लिए हमें कॉल आया है. तो मैंने कहा यार मुझे तो नहीं आया अभी तक और आई डोंट नो आई वॉज लाइक आएगा तो देखेंगे. एंड ट्रस्ट मी नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अ मैसेज एंड दे इज लाइक कैन वी टॉक and this is kind of show and this is gonna happen so can we do a meeting. I was like okay let's do a meeting. तो हमने meeting करी and they really liked me और next in they offered me the show and तो it was not a big thing. जो ज़िंदगी से सीखा होता है इंसान उसका क्या interview ले लोगे यार. तो वो था तो क्या होता ना आपको अपने आप पर confidence होता तो आपको फिर डर नहीं होता किसी चीज़ का. इट्स जस्ट दी अप्रोच. और लकीली एज आई सेड कि मेरे पास डेट्स थी और क्योंकि जो मेरा अगला प्रोजेक्ट फेब्रवरी से स्टार्ट होना है तो मेरे पास डेट्स थी वो और दो चीज़ें और चल रही थी तो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी था. वो बोलते ना एक कम्फर्ट होता है एक लालच होता है यार कि ये करने दे उसमें पता नहीं क्या होगा कैसा नहीं होगा. एंड आई वॉज लाइक नहीं कम्फर्ट नहीं लेट्स प्ले अ गेम लेट्स प्ले सम गैम्बल. तो उसी लिए मैंने कहा इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो. पांच शोज कर लिए यार तो इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. और उसके बाद तो काम तो आके बार करना ही है तो मैंने कहा ये इस बार करते हैं. द बेस्ट पार्ट इस बार सिर्फ उन्हें गौतम सिंह विक दिखेगा जो रियल वो है क्योंकि आज तक लोगों ने मुझे एज एन एक्टर देखा है गुड बॉय लविंग बॉय प्यार मोहब्बत करने वाला लड़का. बट इस बार आई थिंक मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आई वॉन्ट पीपल टू नो मी हु आई एम एंड माई पर्सनैलिटी द रियल मी. और आई थिंक उससे क्या होगा कि मुझे और लोगों का प्यार मिलेगा और मुझे वही चाहिए. तो इसलिए मैं जो हूँ मैं वैसा ही दिखाऊंगा और मेरे को ना पॉलिटिक्स आती है ना मुझे गेम खेलनी आती है कुछ नहीं. जो जितना आप रियल रहोगे आई थिंक उतना यू विल सर्वाइव एंड इवन सलमान सर ऑल्सो लव द पर्सन हु इज़ वेरी रियल एंड ही ऑलवेज सपोर्ट दैट. सो या वो कॉन्फिडेंस देखने के बाद एक्चुअली मैं थोड़ा सा खुश हो गया क्योंकि उन्होंने बोला किसी की कोई स्ट्रैटेजी नहीं चलेंगी और मेरी कोई नहीं थी.
तो मैं खुश हो गया, मैं कहा ये तो प्लस हो गया यार मेरे साथ, क्योंकि मेरी मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो जब आप बिना स्ट्रैटेजी, वो क्या होता है ना, जब आप ब्लैंक माइंड जाते हो ना कहीं पे, तो आप सिचुएशनल रिएक्ट करते हो। तो आप अगर ऑलरेडी किसी चीज़ में समझ के या स्ट्रैटेजी बना के जाओगे, तो आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। सो आई एम जस्ट गोना गो विद द फ्लो एंड एक्सप्लोर माय ऑप्शंस कि क्या है, कैसी चीज़ें हैं, क्या चल रहा है, एंड उसके हिसाब से फिर हम आगे खेलेंगे। मैंने ज़्यादा सीज़न देखे नहीं बिग बॉस के ऑनेस्टली, बिकॉज ऑफ वर्क। मैंने अपने शोज़ भी नहीं देखता था यार, टाइम नहीं मिलता। ऑनलाइन कभी देख लिया या कोई क्लिपिंग्स दिख गई तो देख लेते थे, बट आई रियली लाइक्ड जितना भी मैंने एपिसोड्स देखे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम रियाज, शहनाज, बिकॉज दे आर ऑल रियल। इफ़ यू जिस जो मैंने जिसका प्रोमो किया था उस सीजन में, आई थिंक प्रिंस वॉज द विनर, प्रिंस नरूला, तो उसने भी वही रियलिज्म दिखाया था। ही ऑनली प्लेड बिकॉज इज देसी ऑल्सो यार, एंड आई एम ऑल्सो देसी, तो दे ऑल डिजर्विंग वट एवर दे डिड, दे ऑल डिजर्विंग। सो आई थिंक जितने लोग रियल रहे हैं उनको उतने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा प्यार मिला लोगों का, तो बस मेरा फोकस वही है। मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसा रूप नहीं आना चाहिए। हाँ, मेरा थोड़ा सा गुस्सा है मुझे, गुस्सा है मुझ में थोड़ा सा, बिकॉज नॉनसेंस चीज़ों के ऊपर या मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात करता है, तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ कि मैं उस पे जितना काम डाउन रह सकूँ उतना रहूँ, और बस यही है। और तो आई वॉन्ट पीपल टू सी मी इन एंड आउट कि मैं हूँ क्या, क्योंकि क्या होता ना कि जब आपसे कोई प्यार करता है तो फेक नहीं होना चाहिए वो, तो आप जितना रियल रहोगे उससे लोगों को भी पता होगा वो किसको प्यार दे रहे हैं या किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही मेरा फोकस है कि दे शुड चूज द राइट थिंग, तो बस उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे। बस देखो, मैं दोस्ती निभाने वालों में से भी हूँ बहुत अच्छा, मैं प्यार मोहब्बत करने वालों में से भी बहुत अच्छा हूँ, तो अगर दोस्ती करके किसी से प्यार होगा तो वो भी देखेंगे। बट आई थिंक इट एवरीथिंग इज़ ऑर्गेनिक, अंदर तो सब गेम खेलने आए हैं, वो तो बाहर आके पता लगेगा कौन कितना प्यार हो दोस्ती निभाता है, बट अंदर इफ़ आई गेट समवन दोस्ती या प्यार, तो आई विल डू माई बेस्ट। और लेकिन अगर इफ़ दे आर रॉन्ग एंड दे आर नॉट करेक्टली एट देयर थिंग, तो मैं उनको सही भी करूँगा। बट या आई हैव ऑल माई ऑप्शन ओपन, सो आई विल गो विद द फ्लो। जब जिंदगी में गलत ही नहीं किया तो डर किस चीज़ का, तो मुझे उस चीज़ से कोई डर नहीं है। आई गो विद द कॉन्फिडेंस, मैंने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया ना गलत किया, तो मुझे नहीं लगता कि ले भी आएंगे तो आई नो उनको जवाब कैसे देना है, तो मतलब मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का। या स्वागत करेंगे प्यार से स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर उसके बाद भी उसे समझ नहीं आती तो फिर टकरार करेंगे, तो बस वही है। मैंने ज़्यादा नाम नहीं सुने ऑनेस्टली, मैंने दो तीन ही नाम सुने। निमृत हैं जो उनका नाम आया सामने, सो आई नो निमृत, मैंने उनके साथ काम किया है। मैंने सुम्बुल के साथ स्टार रविवार में हम थे साथ में, तो वहाँ पे हमारी बॉन्डिंग थी। और शालिन भनोट हैं, उनका नाम सुना है, आई डोंट नो वेदर ही इज़ डूइंग और नॉट अभी, अगर वो हैं तो वी आर फ्रेंड्स बट वी मेट फ्यू टाइम्स एंड हमारी एक बॉन्डिंग है, अच्छी बॉन्डिंग है, और मैंने अभी किसी से बात नहीं करी। तो मैं चाहता हूँ कि अंदर जाके सब कुछ सब सरप्राइज हो, सबको अपनी अपनी, क्योंकि सब एक गेम प्लान से आएंगे, सब चीज़ों से आएंगे, तो अंदर जाके आई वांट टू सी एवरीवनस रिएक्शन, बिकॉज आई स्टडीड साइकोलॉजी एंड आई लव रीडिंग पीपल, तो मेरा फोकस यही है, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कौन क्या रिएक्ट करता है।